नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर फिलहाल तमाम विपक्षी दल जेडीयू को घेर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी कानून के जरिए ही कहीं ना कहीं जनता के बीच जनता दल यूनाइटेड ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और नीतीश कुमार जो हैं अक्सर शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में जो हालात हैं वो जहरीली शराब के चलते बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहरीली शराब पीने वाले लोगों का जो आंकड़ा है बिहार में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर तमाम विपक्षी दल शराबबंदी को पूरी तरह से फेल कह रहे हैं। इसके साथ ही शराबबंदी कानून को लेकर हम यहां पर बात कर ले पप्पू यादव की, तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की, या भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की। ये सब नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा कानून आप लेकर आए, अगर शराबबंदी है बिहार में तो आखिर नकली शराब बिक क्यों रही है, और नकली शराब जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की जाने जा रही हैं उनकी जवाबदेही किसकी है। फिलहाल नीतीश कुमार की ओर से इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आरजेडी पूरी तरह से जेडीयू पर हमलावर है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बारे में हम यहाँ पर आपको एक जानकारी दे देना चाहेंगे। कई तरह के घोटालों से उनका और उनके परिवार का नाम जुड़ा है। एक ऐसा ही घोटाला है IRCTC घोटाला। इस घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो पहले ही विवादों से घिरा रहा है, और अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निचली अदालतों में कोई खास कार्यवाही नहीं की गई, तो एक याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसे लेकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर क्या कहता है बिहार, क्या जानकारियां बिहार से सामने आई हैं, आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। लालू यादव के परिवार समेत अन्य लोगों से जुड़ा IRCTC घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। IRCTC घोटाले मामले की निचली अदालत में सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले रवि भूषण का कहना है कि इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसके बावजूद मामले की सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो रही, मामले की सुनवाई की रफ्तार बहुत धीमी है। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सुनवाई तेजी से करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें MP MLA के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को निचली अदालत ने एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI और ED के द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर अलग अलग सुनवाई हो रही है। IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता समेत 12 लोग और 2 कंपनियां इस मामले में आरोपी हैं। इस घोटाले में RJD प्रमुख लालू यादव पर ये आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया गया। इस मामले में अब हाईकोर्ट में फैसला होगा। रिपीट, इस मामले को लेकर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिहाज से ये एक बिल्कुल सही खबर नहीं है, इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में अपने पांव मजबूत करने की कोशिशों में लगी है, सत्ताधारी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिशों में लगी है। शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में IRCTC घोटाले पर सुनवाई होगी। बिहार की राजनीति पर अगर रुक करें तो आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बहुत जल्द इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने शर्त रख दी है। RJD के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है, अगर जनता के हित में ये संशोधन
समर्थन नहीं होगा तो पार्टी विरोध करेगी। बिहार में शराबबंदी इसलिए फेल है क्योंकि शराब माफिया मुख्यमंत्री के साथ मिले हुए हैं। सरकार का पूरा संरक्षण उन्हें प्राप्त है। सरकार के जो रसूखदार नेता हैं वो लूटपाट कर रहे हैं। RJD की तरफ से भाई वीरेंद्र ने कहा है, लालू प्रसाद यादव ने उस समय ही कहा था, इतना भी शराबबंदी को सख्त मत बनाओ कि बिहार की जनता तबाह हो जाए और बिहार तबाह हो जाए। मैं फिर से कहता हूँ कि शराबबंदी कानून फेल है। शराबबंदी कानून से बिहार का विकास होने वाला नहीं है। जब संशोधन आएगा, संशोधन तो हम लोग पहले देखेंगे। बिहार की जनता के मुताबिक नहीं आता है अगर ये संशोधन, तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लागू करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जहरीली शराब से बिहार में हुई मौत पर RJD की ओर से घेरा गया है JDU को और कहा गया है कि बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, आखिर शराब बेचने वाले कौन हैं? गरीब गुरबा के 140,000 लोग शराब मामले में जेल में हैं, ये लोग कौन हैं? रसूखदार लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। शराब चालू होना चाहिए, जो सख्त कानून बनाया गया है वो अमल नहीं हो रहा। देखेंगे कि अब ये कौन सा संशोधन कानून लेकर आते हैं। Yeah.